से हो? प्रणाली ये बताइए, अभय सिन्हा जी का चुना जाना कितना जरूरी है? निर्माता जो समूह है, पिछले दो साल में बहुत तकलीफ झेला है कोविड के कारण, तो एक बात का अध्यक्ष बना बहुत जरूरी है उनका। ऑफ कोर्स, क्योंकि हम सबको पता है कि अभय जी का जो ग्रुप है वो कितना पुराना है और वो कितने टाइम से काम करते आ रहे हैं इंडस्ट्री में, और सबसे ज़्यादा लोगों का उनके साथ कनेक्शन है, हर छोटा बड़ा सब प्रोड्यूसर के साथ वो कनेक्टेड है। तो आई थिंक उनका ही जीतना ज़्यादा ज़रूरी है, उनके ग्रुप का, कि ताकि जो पिछले दो साल से कोविड की वजह से लोग इतने परेशान हुए हैं, वो सारी चीज़ों की समस्याओं का वो हल निकाल पाए। ये भी जानना चाहूँगा कि आपने काफ़ी अपना पर्सनैलिटी चेंज किया, क्या अभिनेत्री के तौर पर या क्या वजह क्या है? ये मैंने अपने लिए किया है, मुझे लगा कि अब थोड़ा चेंज दिखना चाहिए, अनारा गुप्ता थोड़ी अलग वाली अनारा गुप्ता दिखनी चाहिए, तो इससे थोड़ा अपने आप को चेंज किया हूँ। और टच वुड, लोगों ने बहुत पसंद किया, लोग मुझे पहचान नहीं पा रहे, तो ये और मेरा जो किया हुआ है वो मुझे लगता है कि मैंने अच्छे से जीत लिया है कि लोग मुझे पहचान नहीं पा रहे, और वो जो पुरानी वाली अनारा थी वो कोई और थी। यस, अभी काफ़ी सारी फिल्में ख़त्म की हैं, अभी अभय जी की ही हम लोग यश फिल्म की फिल्म करके आए हैं लंदन से, और उसके बाद एक साउथ की फिल्म है जिसकी शूटिंग मैं शुरू करूँगी सितंबर से, और जुलाई एंडिंग से एक हिंदी फिल्म है, क्योंकि अब मैंने वेट लॉस किया तो सोच रही हूँ हर जगह स्विच होके हर जगह काम करूँ। अनारा जी, आपको पवन जी के साथ देखा गया है, आप उनके साथ कोई फिल्म कर रही हैं क्या? उनकी एक फिल्म आ रही है, उनमें आई थिंक इस साल का सबसे सुपर हिट गाना जो है पवन जी का, वो करके आई हूँ मैं पवन जी के साथ। जब वो गाना जैसे ही आएगा लोग आई थिंक पागल हो जाएंगे, बहुत ही क्रेजी सॉन्ग है, उसके कुछ भी नहीं लोगों के मतलब कुछ भी रिवील नहीं किया गया है, क्योंकि वो जब सॉन्ग आएगा तो आई थिंक फर्स्ट डे तहलका मच जाएगा इंडस्ट्री में। ये भी जानना चाहेंगे, पवन जी के साथ आप काफ़ी रहे हैं, पवन जी बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन कुछ दिन पहले वो लाइव आए थे और कुछ मारने वाले थे, क्या बोलना चाहेंगे? मुझे लगता है कि हर इंसान से कुछ ना कुछ गलतियां होती हैं, हर इंसान का एक मूड का भी अपना अपना होता है, तो आई थिंक उनका मूड अच्छा नहीं रहा होगा, किसने कुछ किया होगा ऐसे कि वो उन्होंने आके लाइव पे बोला, क्योंकि जनरली जितना मैंने देखा है पवन जी को, आई थिंक आप भी सहमत करेंगे इस बात से कि वो जनरली लाइव आते नहीं हैं और पब्लिकली ये सब चीज़ें बोलते नहीं हैं, अगर बोला है तो डेट मीन्स किसी ने कुछ उनको पक्का पोक किया है। मैं अवार्ड शो में क्यों नहीं दिखाई दे रही हूँ? मैं अवार्ड शो में मैं थी नहीं, मैं जहाँ जहाँ अवार्ड शो थे वहाँ वहाँ मैं नहीं। लोगों को आप अपना वोट दें, सबको विजयी बनाएं, ये लोग आएंगे तो हमारे लिए बहुत अच्छा है, हम सभी के लिए बहुत अच्छा है।